खबर यूपी के अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लगातार राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस एमएलसी दीपक ने कहा कि स्मृति ईरानी जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि मालविका स्टील फैक्ट्री की जो औने पौने दाम पर नीलामी हुई है, उसमें उनकी कितनी भागीदारी है? 25 लाख रुपए घूस मांगने का जो आरोप लगा है, उस पर उनका क्या कहना है? उनके पति देव ने मध्य प्रदेश में टाइगर रिजॉर्ट्स में जो जमीन घोटाला किया है, उस पर उनकी क्या राय है? उनकी सांसद निधि में जो घोटाला हुआ है, उस पर नोटिस जारी हुई है, उस पर उनकी क्या राय है? ये अमेठी की जनता उनसे जानना चाहती है। असल में स्मृति ईरानी जिसे लोग जानना चाहते थे अमेठी में कि जो भी ताज़ा उनके ऊपर 25 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा है, उस पर उनकी क्या राय है? जो मालविका स्टील औने पौने दाम में नीलाम हुई, उसमें उनकी कितनी भागीदारी है? उनके पति देव ने टाइगर रिजॉर्ट के बगल मध्य प्रदेश में जो ज़मीन घोटाला किया है, उसके बारे में उनकी क्या राय है? उनकी सांसद निधि को जो उन्होंने घोटाला किया था, उस पर नोटिस जारी हो गई, उसमें उनकी क्या राय है? उनसे लोग जानना चाहते हैं कि अपने मंत्रालय से अमेठी में या भारत सरकार से अमेठी में आपने क्या किया, वो बता नहीं पाती हैं। तो राहुल गांधी जी का नाम लेकर, कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर अपने पाप को छुपाने काम करती हैं, जिसे ना अमेठी की जनता कभी माफ़ करेगी, ना देश की जनता कभी माफ़ करेगी। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।